अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मेट्रो की ई व्हीकल का ट्राईसाइकिल का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। इग्निशन के साथ हमें एलईडी मीटर मिल जाता है और राइट साइड पर हमें फ्रंट जो बीम मिल जाती है हेडलाइट्स की और सिग्नेचर लाइट मिल जाती है, और इसके साथ साथ हमें लेफ्ट और राइट पर इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पर ही मौजूद हैं उनकी बटन्स। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि ये मॉडल कमिंग सून मॉडल है, अभी तक ये मार्केट में आया नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए एक पीस रखा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर रिवर्स गियर भी है, और बैक साइड पर जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो टायरों के ऊपर वाले कवर के ऊपर रखे गए हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये कमिंग सून जो मॉडल है इसकी शेप फ्रंट और हाफ तक जो है ना बिल्कुल स्कूटीज़ की तरह है, और इसके अंदर हमें टू मोड्स मिल जाते हैं और पार्किंग सेंसर, और हमें मिल जाता है रिवर्स बटन और फॉरवर्ड बटन, और इग्निशन को उल्टा घुमाने के साथ ही हमें इसकी बूट स्पेस की जो है ना ओपनर मिल जाता है। इसके अंदर चार्जर है जो कि 60 वोल्ट और 4 एम्पीयर्स का है। चार्जर को देखकर मालूम होता है कि बाकी स्कूटीज़ के मॉडल के लिहाज से इसकी पावर बहुत कम है, और इसके अंदर शॉक प्रूफ जो ब्रेकर वो भी मौजूद नहीं है। और दोस्तों इसकी टेस्ट ड्राइव भी आपको करके दिखाते हैं, उससे पहले दो चार चीज़ें और आपको बताता चलूँ। प्राइस के बारे में ये है कि हतमी फैसला कंपनी ने नहीं दिया, बाकी ये है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 180,000 या 190,000 हो सकती है। और दोस्तों इस ट्राईसाइकिल को जो है वो मजदूर लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके लिए डिज़ाइन की गई है, और इसके अंदर रिवर्स गियर फॉरवर्ड गियर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो मौजूद है। अब इसको अब हम ट्राई करते हैं। बहुत स्मूथ चली स्टार्टिंग में, उनकी फ्लैगशिप स्टोर के ही अंदर हमें मौका मिला इसको चलाने का, और ये आप देख सकते हैं कि बटन से ही कंट्रोल हो रही है फॉरवर्ड भी और बैक गियर में भी। चलो चलो चला थोड़ी सी, हाँ चलो चलो, टेस्ट ड्राइव बहुत अच्छी रही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।